हेलो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। फ्रेंड्स, आज का वीडियो गार्डनिंग वीडियो है, तो आज हम बात करेंगे गार्डेनिया प्लांट के बारे में, जिसे गंधराज भी बोला जाता है और जिसका फ्लावर कुछ इस तरह का वाइट कलर का होता है। मेरा ये प्लांट लगभग 10 से 11 महीने पुराना है और जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये अभी अभी डोरमेंसी से बाहर आया है। यह स्प्रिंग से लेकर ऑटम तक, यानी कि फरवरी से लेकर अक्टूबर तक चलने वाला और फूल देने वाला प्लांट है। सर्दियों में यह डोरमेंसी में चला जाता है। इसे हम जमीन और पॉट में दोनों ही जगह ग्रो कर सकते हैं। बस इसे हर साल दो साल में रिपोर्ट करते रहना होगा अगर हम पॉट में लगाते हैं। यह फरवरी से मार्च के मंथ और बरसात में अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से करता है और बरसात के दिनों में इसे हम कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। यह 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप पसंद करता है। बस हाँ, जून जुलाई की झुलसती हुई दोपहर की धूप से अगर इसे बचा लें तो वेल एंड गुड। उससे होगा ये कि इसके पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे और पौधा हरा भरा बना रहेगा। पत्तों को पीले पड़ने का और जो लीफ इस तरह से जले हुए दिख रहे हैं, उसके और भी कई कारण होता है, जो होता है पोषण की कमी। अगर आपके लीफ येलो दिख रहे हैं तो नाइट्रोजन की कमी है और आप उसमें मस्टर्ड के यूज़ करें। जब लीफ येलो दिखे, जैसे मेरे इस प्लांट में दिख रहा है, तो पोटाश की कमी है, उसके लिए बनाना लीफ फर्टिलाइजर यूज़ करें। जब लीफ येलो और उसकी पौधे की ग्रोथ भी स्लो चल रही हो, तब फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उसके लिए बोन मील या उसकी जगह DAP का यूज़ करें। आयरन और मैग्नीशियम की कमी होने पर पत्तों की नसें हरी और बाकी पत्ता पूरा येलो दिखेगा, तो ऐसे में आप नीम केक या एप्सम सॉल्ट का यूज़ करें। इन सभी का ध्यान रखने से आप प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। फरवरी मंथ सबसे बेस्ट है इसकी कटिंग प्रूनिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने अपने टूल को फंगीसाइड से डिसइंफेक्ट कर लिया है और अब हम पौधे की ये 4 पत्तियों को लेकर के इस तरह से प्रून कर देंगे। तो जितनी भी डालियां हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, उन सभी के टिप को आप इस तरह से प्रून कर दें ताकि पौधा नई ग्रोथ ले सके। इस तरह से जो पत्ते पीले पड़ गए हैं या जो पत्ते खराब हो गए हैं, उन्हें भी काटकर हटा दें। खराब जो पत्ते हो जाते हैं, जो येलो पड़ जाते हैं, वो तो आराम से अपने आप ही हट जाते हैं, तो उन सभी को साफ कर दें और अच्छे से अपने पौधे की हाइट को देखते हुए, उसे मेंटेन करते हुए कि आपने कितना रखना है, उसके हिसाब से उसकी टिप्स को प्रून करें और सभी खराब पत्तों को हटा दें। तो इस तरह से सभी जो आपको और कोई ब्रांच, इस तरह का एक्स्ट्रा ब्रांच दिखे, तो उसे भी काट कर हटाएं ताकि पौधा जो है वो एक अच्छी शेप मेंटेन कर सके। सभी इस तरह के छोटे छोटे जो भी साइड से ब्रांचेस निकलते हैं, उन सबको हटा लें, उसकी ज़रूरत नहीं है, तभी पौधा सुंदर बन पाएगा। और मिट्टी को साफ कर लें, क्योंकि पीछे जो बरसात गई है उससे बहुत सारे वीड अपने आप ही उग जाते हैं, तो वो सब हटा दें और इस तरह से प्लांट को एक अच्छी सी शेप दे दें। पीछे अभी दिसंबर जनवरी में खूब बारिशें हुई है और उसकी वजह से आप देख रहे हो पॉट में जो मिट्टी है वो सेट हो गई है पूरी तरह से, क्योंकि पहले बारिश की वजह से गीली थी और फिर धूप से सूख गई और ये अच्छे से सेट हो गई है। तो इसे गुड़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के साथ साथ आप जो इसमें एक्स्ट्रा प्लांट है, जैसे कि मेरे इस गमले में ये टमाटर का प्लांट अपने आप हो गया था, तो इसे निकाल लें और कहीं दूसरी जगह अगर आप इसे शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसे शिफ्ट कर लें, ताकि उसे एक नया पॉट मिल जाए और हमें ढेर सारे टमाटर मिल जाए। तो इस तरह से सबसे पहले तो मिट्टी को गुड़ाई करना है और गुड़ाई करके जो ये मिट्टी आप देख रहे हो सख्त हो गई है, उसे हल्का बना लेना है। मिट्टी, मेरा ये पॉट है तो ये पॉट में कोई बहुत ज़्यादा तो दिन हुआ नहीं है मेरे प्लांट को, तो इसलिए इसे रिपोर्ट करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे पोषण देने की ज़रूरत है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो उसके हिसाब से मैंने अपने प्लांट में ये वर्मी कंपोस्ट को डाला और वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ एप्सम सॉल्ट, कुछ DAP के दाने और साफ फंगीसाइड को डाला ताकि प्लांट को फंगस से बचा के रखा जाए। फ्रेंड्स, जब हम गार्डेनिया के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो ध्यान रखना होता है कि हमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलानी है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, एक साथ नहीं मिलाना है। आप इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ मिलाएं, क्योंकि गार्डेनिया का जो सॉयल होता है
वो एसिडिक होना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिक्स करना चाहिए, इसे इतने की ज़रूरत नहीं होती है और ये इतने सारी चीज़ों को एक साथ समझ भी नहीं पाता है ये प्लांट, तो इसलिए इसमें कोई एक ही तरीके का खाद डालें। तो मैंने दोनों साइड इस तरह से खाद डालने के बाद, पोषण डालने के बाद, ऊपर से मिट्टी से इसे कवर कर दिया है ताकि जब धूप लगे तो सारा पोषण धूप से ख़त्म ना हो जाए और सारा पोषण जड़ों के द्वारा प्लांट को अच्छे से मिल पाए। तो इस तरह से हमने इसकी सॉइल को तैयार कर लिया है और ये अब कटिंग के बाद आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब मैं इसके ऊपर जो जहाँ से कटिंग किया है वहाँ भी थोड़ा सा फंगीसाइड यूज़ कर लूँगी, सभी टिप्स के ऊपर वो फंगीसाइड लगा दूंगी, जिससे होगा ये कि प्लांट को ऊपर जहाँ से हमने कटिंग करी है वहाँ से कोई फंगस अटैक नहीं होगा। तो इस तरह से प्लांट को केयर करें। अब इसके बाद हमें मिट्टी में वाटर डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम प्लांट में खाद डालते हैं तो उसी वक्त वाटरिंग ज़रूर करें ताकि पानी के द्वारा वो अच्छे से सभी जड़ों तक डिजॉल्व होकर मिल सके पोषण उसको। तो इसलिए मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा साफ का ये फंगीसाइड डाल दिया है और उसे डिजॉल्व करके अच्छे से मिक्स करके और उसे स्प्रे कर दिया है ऊपर से भी, और मैंने मिट्टी में भी वही चीज़ डाल दिया है ताकि ऊपर से भी कोई फंगस अटैक ना हो और हमारा प्लांट एकदम सेफली आगे फ्लावर देने के लिए तैयार हो जाए। वाटरिंग करने के बाद प्लांट को 1 से 2 दिन के लिए शेड वाले एरिया में रखें, उसके बाद ही इसे धूप में रखें। इस प्लांट को एक बार अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो ये थी गार्डेनिया प्लांट की पूरी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस एनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टू द एंड।